एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करें तो निश्चित रूप से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आजादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे सशक्त और सबसे सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व अपनी पहचान बनाए तो हमारी स्पीडी को जब हम सुशिक्षित, सुसंस्कारित बनाकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस पीढ़ी को तैयार करेंगे तो आने वाले 2047 से पहले पहले हमारा ये राष्ट्र इस सपने को पूरा करने में सक्षमता प्राप्त करेगा। साथ ही उपस्थित सभी वरिष्ठजनों से और विशेष रूप से परिवार के मुखिया माता पिताओं से या अभिभावकों से भी मेरा एक ही विनम्र अनुरोध रहेगा। सामान्यतः देखने में आता है कि अभिभावक अपने परिवार के विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उनके प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना मान लेते हैं। विद्यालय में 7 घंटे का समय होता है और दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, बाकी 17 घंटे अगर निरंतर आपकी निगरानी परिवार के किशोर बालक बालिकाओं पर नहीं रहेगी तो कई बार गलत संगत के कारण गलत रास्ते पर चलने का खतरा भी मंडरा जाता है। इसलिए विद्यालय के 7 घंटे के अलावा बाकी 17 घंटे में इनकी फूट बैठ, इनकी बोलचाल, इनका रहन सहन, इनका चाल चलन किस प्रकार का है उसके प्रति भी सजग सजग रहे और कहीं कोई कमी दिखाई दे तो विद्यालय के इनके अध्यापकों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हुए उस कमी को दूर कर इन्हें सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए सत शिक्षा और सत संस्कार ग्रहण करवाने की प्रति जागृत करें ताकि आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस राष्ट्र को अपना विकसित करवाने में, सफल बनाने में, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर अपने इस राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन पूर्व विद्यार्थी बालक बालिकाओं ने संधि लेखाकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त की उन सबके उज्ज्वल विषय की कामना करते हुए मैं मेरे सामने बैठे विद्यालय के सब विद्यार्थी बालक बालिकाओं के उज्ज्वल विषय की कामना करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में इस विद्यालय के बाकी विद्यार्थी भी किसी न किसी क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा कर परचम लहराएंगे और एक बार फिर कभी आज की तरह का सम्मान समारोह आयोजित होगा और उस समारोह में शामिल होने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इन शुभकामनाओं के साथ सभी को यथावत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव से निवेदन करना चाहूंगी कि वे श्री माननीय जावर सिंह जी खर्रा का निकेतन प्रांगण में माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित जी शर्मा बलारा से। निवेदन करना चाहूंगी श्री अमित जी शर्मा बलारा से कि वो आगे आए और माननीय श्री जावर सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री सतीश जी पाटोदा जी का। सतीश जी पाटोदा जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शशि प्रकाश जी जोशी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री गोपाल जी लाटा का। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री ललित जी पवार जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी मनोज जी शर्मा जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी मनोज जी शर्मा जी से कि वो आगे आए माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी अमित जी ख्यालिया जी से। मैं निवेदन करना चाहूंगी जयप्रकाश जी सरावगी जी से। मैं निवेदन करना चाहूंगी जगदीश जी सैनी जी से। मैं निवेदन करना चाहूंगी सर्वोत्तम जी बैठे से।
मैं निवेदन करना चाहूंगी अलका जी शर्मा से, मैं निवेदन करना चाहूंगी संपत जी चेटारा जी से, मैं निवेदन करना चाहूंगी सौरभ जी जोशी जी से, निवेदन करना चाहूंगी अरुण जी चौधरी जी से, और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री बनवारी जी पूर्व सरपंच चूड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर विद्यालय के प्रांगण में। मैं निवेदन करना चाहूंगी गोपाल जी लाटा जी से कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें माननीय श्री साबर सिंह जी हरदा का। मैं निवेदन करना चाहूंगी अयूब जी लाला जी से कि वो आगे आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपसे निवेदन है यदि कोई हमारी नामावली में छूट गया हो तो आप आगे आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। दाऊद खासी आगे आए, बागी जी कुमावत, जाकिर, हरिजन जी बढ़िया, सुरेंद्र, सरवण जी साखू से आप आकर के स्वागत करें मंत्री जी का। बीरबल जी, मनोज, छतर सिंह जी स्वागत करें। लालचंद बढ़िया, प्रदीप पारी कहानी से, जगदीश माथवा जी, प्रकाश जी बिश्नाऊ से, नरेंद्र घायल सीकर से मंत्री जी का स्वागत करें।